अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं लच्छा प्याज, जो तंदूरी वगैरह के साथ सर्व होती है ना। हाँ, वही जो ढाबा और रेस्टोरेंट्स में मिलती है ना, सेम वैसी ही बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले दो प्याज को धो के इस तरीके से, बहुत ही पतला भी नहीं बहुत ही मोटा भी नहीं, इस तरीके से काट लीजिए गोल गोल पहियों के शेप में। और जब आप काट लेना दो प्याज को, तो हाथों की मदद से है ना, जो प्याज के जो लच्छे हैं वो खोल दीजिए। ठीक है, जब आप इस तरीके से खोलेंगे ना, तो ये ऐसे लगेंगे। अब ये जो प्याज है ना, आप इसे सादे पानी में भी डाल सकते हैं, और बर्फ का पानी हो तो उसमें भी डाल सकते हैं ठंडे पानी के अंदर। मैं तो यूजुअली सादे पानी में ही डाल देती हूँ। तकरीबन समझिए ना 5-7 मिनट इसमें रहने दीजिए। अब जब 5-7 मिनट हो जाए, तो इन्हें छान कर अब ये जो छन्नी के ऊपर है, तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए, पानी पूरा नितर जाएगा। जब पानी पूरा नितर जाए और 10 मिनट हो जाए, तो एक प्लेट में या बाउल में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो आधा छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, चुटकी भर सादा वाला जो नमक आता है वो, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, आप हरी मिर्ची भी एक बारीक कटी हुई डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है इसमें। और 1/4 पोर्शन नींबू का रस डाल रही हूँ। जो नींबू होता है उसका 1/4 पोर्शन लीजिए और डाल दीजिए। अब नींबू तो ये है कि आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए कुछ कम या ज़्यादा लगे तो। चाट मसाला मैंने सिर्फ 1/4 छोटा चाय का चम्मच लिया, आप आधा डाल सकते हैं। और एक प्याले में निकालें और तुरंत सर्व करें। अच्छा, ये वाली रेसिपी है ना, आप जब सर्व करने वाले होते हैं ना मसाला, तभी ही डालना। हाँ, उससे पहले डालकर नहीं रखना, नहीं तो एकदम नम हो जाएगी हमारी प्याज। तो अब ये बन गई हमारी बढ़िया सी लच्छा प्याज, सर्व करने के लिए रेडी है। खूबसूरत लगे इसके लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्ची का पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल किया। आप चाहें तो बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और मैंने ना इसे किसके साथ सर्व किया पता है, चिकन टिक्का बोटी के साथ, बहुत मजा आया। आप चाहें तो तंदूरी चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये टिक्का बोटी की रेसिपी है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप रेसिपी, आपको ये वाली अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।